पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। एक शहर में कई मकान बसते हैं और मकान तो चार दीवारों और एक छत से भी बन जाते हैं, लेकिन घर बनता है आंगन से, जिसकी ड्योढ़ी पे धूप भी छलकती हो और बरसात का पानी भी, जहां मेरे जयदेव जी के आचार भी शांति से सूख सकते हो और मेरी दीपू तनु और पल्लू की ट्रेन का शोर भी सुनाई देता हो, जिसकी गोद में मेरी बेटियां रात को गद्दे लगा के लेट सके और उन गद्दों के सराहने उनके पापा उन छोटी छोटी रातों में लंबी लंबी कहानियां सुना के उन्हें सुला भी सके। इस आंगन से मेरी जिंदगी भी जुड़ी हुई थी। अरे, मेरा ब्याह हुआ था जयदेव जी से, तभी तो हमारे अरमानों की धूप की पहली किरण दीपिका आई इस दुनिया में। दीपिका का मन खिलौनों में नहीं लगता था, उसे चाहिए था उससे छोटा कोई जिसपे वो हुकुम भी चलाए और अपनी आइसक्रीम का टब भी बांटे। फिर तनवी का सैंडविच बनाने आ गई नन्ही पल्लवी। गिनती एक से शुरू होकर पांच तक पहुंची ही थी कि सबसे पहले मैंने जयदेव जी का साथ छोड़ा। कहते हैं ईश्वर भी उसी को अपने पास पहले बुलाता है जिसकी जरूरत सबको हो। बहुत अकेले पड़ गए थे जयदेव, लेकिन बेटियों को कभी अकेला नहीं होने दिया, कभी महसूस नहीं होने दिया उनको कि उनकी माँ उनके पास नहीं है। समय के साथ बेटियों की उम्र ने भी रफ्तार पकड़ ली। दीपिका शादी करके विदा हो गई और फिर तन्वी भी, और अब इस आंगन में बचे हैं बस दो लोग, जयदेव और हमारी लड़ाकू लाड़ी पल्लवी। मुझे भूत बनकर भी डराओगी? भूत नहीं पापा, ब्लू। आज आप यही पहनोगे। नो, नेवर। आई हेट ब्लू। मुझे ब्लू से नफरत है। अरे, पर मैं व्हाइट ही पहनूंगा। पापा, व्हाइट कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ, जयदेव शर्मा, पल्लवी शर्मा का फादर। क्या चमक है, क्या जलवा है व्हाइट में, क्या बुढ़ापा है। आप डिसाइड कर कि आप रिटायर हो रहे हो या बुढ़ा। बुढ़ा होगा तेरा पापा। जी नहीं, मेरे पापा तो हीरो है, हैंडसम है, किलर लगोगे पापा, सच्ची। और रिटायरमेंट तो लाइफ में एक ही बार होती है ना। ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट, ब्लू। स्थिति गंभीर है, दोनों गुट अड़े हुए हैं। अब फैसला वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता आया इस घर में। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। सत्तर मिनट है आपके पास, ये सत्तर मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। सत्तर मिनट, सत्तर मिनट, साठ मिनट। छोले पराठे और रायता, शुरू करें। ठीक है। अरे फ्रीज, चीटिंग कर रहे हैं आप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस। मैंने कहा है कि ये काम पापा करते हैं। अपनों के रूठने और मनाने का।
वेरी टेस्टी। घरों दा जो है नेकी का सांझे से पापा, इसमें तो नमक ज्यादा है। तो अगली बार परफेक्ट बन जाएगा। तुमने तो मेहनत की है ना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पर हमें तो डिश में नमकीन बनानी थी ना। शहर सपनों का। कहाँ खो गई हो? तुम्हारे पापा ना जीतने वाले हैं। गेम तब तक नहीं हारते जब तक खत्म ना हो जाए। मेरा चाकू कहाँ है? सी मिर्ची, मुझे मिर्ची नहीं मिल रही। ये लीजिए। लाइटर, लाइटर कहाँ है? ये लीजिए, दीजिए। देखा, छुपाया था ना, पता था मुझे। मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा कहाँ? ये रहा आपका चश्मा। ये तो एक्सपायर्ड हो गया है। पापा। ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। फिर कहोगी कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है। पापा। और इस कंपटीशन की विजेता है मिस पल्लवी शर्मा। छोले पराठे और रायता रेडी। टाइम्स अप। और तूने 70 मिनट कहा था और आपने 60 मिनट। आज्ञाकारी बेटी हूँ आपकी, हर बात मानती हूँ। सुनो, जो मैंने स्टार्ट किया वो कंप्लीट तो कर लो। कैसे कंप्लीट करोगे पापा, वो चाट मसाला तो एक्सपायर है ना। बेटे, जिंदगी में हर जो चीज हम चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए, वरना जिंदगी ना बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। खुशी तो उसमें है कि जो मिला है ना जिंदगी में, उसमें से ही खुशियां जो है निचोड़ी जाए। बेटे, चटाक भर खुशी ही बहुत होती है जिंदगी में स्वाद लाने के लिए। ऐसे पापा, आपकी छटाक भर खुशियाँ तो आपकी तीनों बेटियां है ना, अब वो भी आपके रिटायरमेंट फंक्शन में नहीं आ रही। हाउ विल यू मैनेज? जी, ये स्कूल का फर्स्ट डे थोड़ी है, लास्ट डे है, वो भी काम का। बस आज के बाद काम से छुट्टी आस्था जी। एक ही जिम्मेदारी रह जाएगी, चक्कर में मुझे ब्लू भी पसंद आने लगा है, जच रहा है मुझ पे। वही तो मैं कह रही थी ना, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। चलिए चलो। पापा, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल चंगा भला हूं। मुझे क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी तीनों बेटियां नहीं है कि तुम, मैं रोने धोने लगूंगा?
मैं तो वेट कर रहा हूं कि एक बार रिटायर हो जाऊंगा ना, मैं तुम तीनों के पीछे भूत की तरह पड़ जाऊंगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।